प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड विषय एसएसटी, और आज का आपका जो टॉपिक है ये है 1857 की क्रांति। पहला प्रश्न पढ़ें। देखिए, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नामों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। तो देखेंगे, पहला इसमें ऑप्शन हो जाएगा नाना साहब। अब देखिए, दो नंबर का प्रश्न है, गोद लेने की प्रथा को किसने पुनः चालू किया था। तो गोद लेने की प्रथा को किसने चालू किया था, तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन तीन, 1858 में महाराणा की घोषणा से गोद लेने की प्रथा दोबारा शुरू हो गई थी। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था तो क्या था, कोटा। नेक्स्ट है, चार नंबर का प्रश्न है, यह 1857 के विद्रोह का वह नेता था जिसने विद्रोह के दौरान फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को तीन पत्र भेजे थे। तो नेपोलियन तृतीय को तीन पत्र भेजने वाला है नाना साहब। अब देखिए, अवध में 1857 के विद्रोह का वह कौन सा सर्वाधिक ख्याति प्राप्त नेता था जिसने लखनऊ के पतन के बाद रुहेलखंड के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था, रुहेलखंड के नेतृत्व का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, खान बहादुर खान ने किया था। छह नंबर का प्रश्न है, वह कौन आधुनिक भारतीय इतिहासकार है जिसने लिखा है, इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित पहला स्वतंत्रता संग्राम ने तो पहला नहीं राष्ट्रीय और नहीं स्वतंत्रता संग्राम। तो ये कथन किसका है साहब, आरसी मजूमदार का। सात नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान सम्राट बहादुर शाह का सबसे अधिक विश्वसनीय परामर्शदाता कौन था। तो बहादुर शाह का सबसे विश्वसनीय परामर्शदाता जो था ये है, सात नंबर में देखें आपका है तीन का हकीम एहसानुल्ला। आठ नंबर का प्रश्न है, सुमेलित आपको करना है, आठ नंबर में सारे के सारे सुमेलित हैं, पढ़ लेते हैं। विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर, सही बात है। विद्रोह प्रारंभ के बाद सेनापति कॉलिन कैपेल, सही बात है। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन। तो ये तीनों के तीनों फैक्टर हैं कि आपको ध्यान में रखने हैं, विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर, विद्रोह प्रारंभ होने के बाद नियुक्त सेनापति कौन था, कॉलिन कैंपवेल, और विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, जॉन एनिसन, यानी उपयुक्त सभी है। अब देखिए, डलहौजी ने जमींदारों एवं जागीरदारों की जांच के लिए बंबई में इनाम कमीशन बिठाया था। तो ये आपका हो गया 1854 में। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अब देखिए, 11 में दयावसान सिद्धांत को लागू, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी गोद निषेध नीति को लागू, 17 राज्य को ब्रिटिश प्रभुसत्ता में कब मिला लिया गया था। तो 1848 के अंदर 17 राज्य को गोद निषेध नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। 12 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 12 नंबर का प्रश्न है, इसके अंदर हो जाएगा आपका केवल बंगाल के कुछ गांवों में चपातियां बांटने की रिपोर्ट आ रही थी। 13 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने 1857 के विद्रोह का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया। तो यह 13 नंबर का जो आपका प्रश्न है, इसके अंदर हो जाएगा एक अलवर। 14 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सेनानायक 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था, 14 नंबर में आपका हो जाएगा नॉट। 15 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था। तो राज्यों का विलय करना
छोड़ दिया था। 16 नंबर का प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं कि यह एक अंग्रेजी विरोधी आंदोलन था। 17 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने देसी रियासतों में हस्तक्षेप बंद कर दिया था। 18 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था, तो 18 नंबर में आपका जो प्रश्न हो जाएगा, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। 19 नंबर में देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद का मुख्य परिणाम क्या था, तो मुख्य परिणाम था भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया था। अब देखिए 19 नंबर का प्रश्न हो गया आपका, 20 नंबर का प्रश्न है ये, 1857 में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, बैरकपुर में, बैरकपुर बंगाल में है, यहाँ पर हुई थी। 21 नंबर का प्रश्न, किस समकालीन सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो किसने संज्ञा दी थी, लॉर्ड एटन बरो ने संज्ञा दी थी। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार है ये मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। 23 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, कारतूसों में चर्बी लगाने की अफवाह थी। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, तो किसने नहीं निभाई थी, बालाजी बाजीराव। 25 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो आपको असत्य कथन देखना है, इसमें पहला कथन ही असत्य है, अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया था, तो यही कथन क्या है, असत्य है, पहला कथन ही आपका असत्य कथन है। 26 नंबर का प्रश्न है, मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी, तो मंगल पांडे ने हत्या है ये किसकी की थी, बाघ की हत्या कर दी थी। 27 का है, 1857 में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया था, तो झांसी के विद्रोह को सब किसने दबाया था, फिरोज ने दबाया था। 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है, तो ये है नाना साहब झांसी का विद्रोह, नाना साहब जो है ये झांसी के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम पर सरकारी इतिहासकार है, तो 1857 नामक जो पुस्तक है ये क्या है, सरकारी इतिहासकार। दोबारा देख लें, निम्न में से कौन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है, तो इसमें पुस्तक है 1857, 29 नंबर में। अब देखिए 30 नंबर में, निम्न में से कौन डलहौजी की सबसे भयंकर भूल थी, तो डलहौजी की सबसे भयंकर भूल थी अवध का अधिग्रहण। 31 नंबर का प्रश्न है, 29 मार्च 1857 किसकी तिथि थी, 29 मार्च 1857 है ये किसकी तिथि थी, तो बैरकपुर के अंदर विद्रोह की तिथि है। 32 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से संबंधित घटनाओं में निम्न में से कौन सी घटना पहली है, तो कौन सी घटना पहली है, भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना। अब है 33 नंबर का प्रश्न है, 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी साहब, 140,000 थी। 34 नंबर का प्रश्न है, 1857 में सिपाहियों के विद्रोह के ठीक पश्चात निम्न में से कौन सी एक घटना घटित हुई, तो 34 नंबर में कौन सी घटना है, बंगाल में नील किसानों का विद्रोह। 35 नंबर में पर देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांश निम्नांकित से की जाती है, तो किससे की जाती है, उत्तर में गोरखा सिंध और पंजाबी। अब देखेंगे आप 36 नंबर का प्रश्न है, अहमद उल्ला फयाजी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, फैजाबाद बंदर। मंगल पांडे कौन था,
तो 37 नंबर का प्रश्न है, दमदम में पद स्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही था। 38 में देखेंगे आपका प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को दबाने में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? तो 38 में है डलहौजी का संबंध नहीं है। अब देखिए 39 में देखिए आप, भारतीय जनता के किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? भारतीय मध्यम वर्ग ने नहीं किया था। 40 नंबर का प्रश्न है, 1857 का लेखक कौन है? तो कौन है? एस एन सेन। 41 नंबर का प्रश्न है, किस ब्रिटिश जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम एवं सबसे बहादुर नेता बताया है? तो आपका है सर ह्यूज रोज को बताया। 42 नंबर का प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यह कविता किसने लिखी है? तो 42 नंबर में है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखेंगे, मुझे मरने का गम नहीं, गम तो इस बात का है कि मुझे अपनी कब्र के लिए अपने मुल्क में 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हो सकी, यह कथन किसका है? तो यह बहादुर शाह जफर का कथन है। अब 44 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज में नवगठन से संबंधित आयोग जो था ये कौन सा था? पील आयोग था। 45 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए आप, दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देके विद्रोहियों की योजना असफल कर दी, उसका नाम बताइए? तो उसका नाम है जिन्नत महल। 46 नंबर का प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो कौन था? खान बहादुर। 47 नंबर का प्रश्न है, 1857 में भारत में विद्रोहों के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 48 नंबर का प्रश्न है, कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो कौन सा प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। अब देखिए 49, 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक क्रमशः कौन थे? तो 1857 के विद्रोह का लेखक जो है ये तो है अशोक मेहता, और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध का लेखक है वी डी सावरकर। 50 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग में देखेंगे आप, तो आपका 1857 की क्रांति का विद्रोह। 52 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। 53 नंबर का प्रश्न है, कंपनी के शासन का अंतरण ब्रिटिश सम्राट को किया गया? तो 53 नंबर में आप देखेंगे 2 नंबर का है, 1 अक्टूबर 1858 को। 54 नंबर का प्रश्न है, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो फिरंगी जो है ये है फारसी भाषा का शब्द है। 55 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे, 1857 के विद्रोही शामल का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से। 1857 के विद्रोह में बाघ डंडा शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ था? तो बाघ डंडा शाह के नाम से मौलवी अहमदुल्ला प्रसिद्ध हुआ था। 57 नंबर का प्रश्न है, भारत में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किस गवर्नर जनरल के समय प्रयोग हुआ जो 1857 का प्रमुख कारण भी बना था? तो 57 में है गवर्नर जनरल होर्डिंग। 58 नंबर का प्रश्न देखिए, 1857 के किस गवर्नर जनरल ने अवध के संदर्भ में टिप्पणी की, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? तो 58 नंबर में है लॉर्ड डल हौजी ने की थी। 58 के बाद में 69 नंबर प्रश्न है, यह देखिए आप, ये आपका, देह से जान जा चुकी थी शहर की काया बेजान थी,
कोई सड़क, कोई बाजार और कोई घर न था जहाँ से जाने आलम से बिछड़ने पर विलाप या शोरगुंज नहीं हो रहा हो। उपरोक्त कथन का संदर्भ बताइए, किसका कथन है यह है? तो देखेंगे आपका 59 नंबर का कथन है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों द्वारा अवध से कलकत्ता निष्कासित कर देने के संबंध में। 60 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रांत को बंगाल आर्मी की पौधशाला है ये कहा जाता है? तो अवध को कहा जाता है। 61 नंबर का प्रश्न है, फिरंगी राज से तात्पर्य था, और फिरंगी राज से तात्पर्य था अंग्रेजों का शासन। 62 नंबर का, 1857 की क्रांति के संदर्भ में 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ ने लखनऊ की राहत चित्र निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो थॉमस जोन्स बार्क के द्वारा बनाया गया था। तो ये प्रश्न जो थे आपके 1857 के संदर्भ में थे। धन्यवाद।